अयोध्या से हम जा रहे हैं अभी बनारस के घाटों पे होली मनाने के लिए। चलिए बनारस का होली भाई, देखो भाई साहब क्या होली हो रहा है, क्या होली हो रहा है। काशी विश्वनाथ का चौराहा है भाई और यहाँ की होली देखो, मतलब क्या रंग बिरंगे सब लग रहे हैं भाई, क्या मस्त होली हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बस की चलिए और हम लोग जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट पे होली मनाने। तो ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस मेरा है बनारस का होली हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। पूरे बनारस की गलियां घूमते 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 घाट जा रहे हैं। यह है बनारस का होली भाई, देखो भाई साहब क्या होली हो रहा है, क्या होली हो रहा है। ये देखो भाई जबरदस्त होली। वेलकम बैक टू ब्लॉग दोस्तों, और ये अयोध्या से हम जा रहे हैं अभी बनारस के घाटों पे होली मनाने के लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरा। काशी विश्वनाथ का चौराहा है भाई और यहाँ की होली देखो, मतलब क्या रंग बिरंगे सब लग रहे हैं भाई, क्या मस्त होली हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। ये देखो हर हर महादेव का नारा, जय श्री राम और हर हर महादेव ही गूंज रहा है यहाँ पे। तो दशाश्वमेध घाट जिसको बोला जाता है, काशी विश्वनाथ जो है ना, अगर आप आते हो दर्शन करने के लिए तो ये घाट आपको आना होता है, दशाश्वमेध घाट जिसको बोला जाता है। और ये देखो यहाँ पे जो होली मन रही है, अभी अलग ही नज़ारा होने वाला है भाई। ओ भाई साहब तो ये है दशाश्वमेध घाट जिसको बोला जाता है, यहाँ पे होती है मसान होली, मणिकर्णिका घाट पे भी होती है। तो चलिए आपको पूरा नज़ारा दिखाते हैं भाई। बोला जाता है दरभंगा घाट, मतलब यहाँ पे टोटल जो है ना 80 घाट है यहाँ पे। ये देखोगा मतलब घाट ही घाट है और सारे घाट एक एक बेनिफिट है ना, आप पैदल घूम सकते हो पूरे घाट को। तो बेस्ट है कभी भी बनारस आओ तो पैदल घूमो यार, क्या ऑटो और टोटो, पैदल जो घूमने का मज़ा है वो और कहीं आपको नहीं मिलेगा ना। इसी बहाने आपको पूरा घाट घूमने को देखने को मज़ा मिलेगा। ये देखो पूरा नज़ारा देखो भाई। चाय, हाय हाय वो मज़ा आ गया भाई। बनारस आए पान नहीं खाया तो क्या खाया भाई। हम लोग अभी जो है घूम रहे हैं गदोलिया मार्केट और अभी शाम के बज रहे 6:30 और हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट जो शाम की संध्या आरती होती है वो देखने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं संध्या आरती और बनारस का जो स्ट्रीट्स है वो भी हम लोग घूम रहे हैं, वो भी इन्जॉय कर रहे हैं। अभी स्ट्रीट फूड्स यहाँ का क्या क्या फेमस है वो भी कुछ खाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे यहाँ पे। बनारस है, बनारस का स्ट्रीट फूड नहीं ट्राई किया तो क्या किया। तो भाई काल भैरव जाने के लिए ये लेफ्ट यहाँ से लेना होगा और काशी विश्वनाथ जाना है तो यहाँ से सीधा आपको राइट लेना। ये है दशाश्वमेध घाट का ये मोड़ है, मतलब ये सॉरी दशाश्वमेध मतलब ये गदोलिया का मेन मार्केट है। सीधा जाओगे काशी विश्वनाथ, इधर जाओगे काल भैरव। तो गाइस काशी विश्वनाथ का ये जो एक चौराहा मिलता है यहाँ पे आपको, काल भैरव का मंदिर मैदान, ये एक स्ट्रीट है और सीधा आप जाओगे तो काशी विश्वनाथ का टेम्पल।
और भीड़, क्या भीड़ है भाई, बाप रे बाप, देखो भीड़ देखो। होली के दिन ये भीड़ है यहाँ पे। देखो संध्या की आरती हो रही है यहाँ पे। आरती शुरू नहीं हुई, आरती शुरू हो गई। जय गंगे जय गंगे, प्रेम से बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। प्रदाति शंभू।
फिर भीड़ तो खाली करे सभी भक्त। मलमल की कुर्ती गुलाबी हो गई, कलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साथ छोरी शादी हो गई। खेले घाट में खेले पासी में खेले घाट में खेले खेले और मसाने में मसाने में गाइज। अभी हम लोग आ चुके हैं घर और आई होप आप जो ये वीडियो देख रहे होंगे दशाश्वमेध घाट में जो होली हुआ है भाई साहब गंगा आरती के बाद नेक्स्ट लेवल हुआ है। सो आप भी नेक्स्ट अगर होली में आते हो तो बनारस जरूर आओ, दशाश्वमेध घाट जरूर आओ और यहाँ का होली एंजॉय करो जैसे आज हमने किया। एंजॉय किया हम लोगों ने बहुत बहुत बहुत, ये नहीं गया और सी कोड़िया इंसान। और ये